हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहिनीस किचन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ कच्चे दाल और चावल से बना हुआ बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इस नाश्ते में आपको दाल और चावल को भिगोने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर ही आधा कप मूंग दाल, ये धुली हुई मूंग दाल ली है हमने। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कप ही चने की दाल। अब इसमें डालेंगे हम एक कटोरी ये चावल। बस तीनों चीजों को मिला देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो जब दाल हमारी अच्छे से भुन जाएगी तो इसमें अच्छे से खुशबू आने लगती है, बहुत ही बढ़िया। तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा हो जाने देंगे। तो जब ये ठंडा हो जाएगा सारे दाल चावल हमारे, इसको एक मिक्सी के जार में डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले पूरी तरह से आप इसको ठंडा हो जाने दें, फिर इसको ग्राइंड करें। इसको हमने एक बोल में निकाल लिया है, इस तरीके से ये पाउडर बन जाएगा। अब हमने लिया है यहाँ पर एक कच्चा आलू, इसको हम इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो बिल्कुल जो बारीक वाली साइड होती है ना ग्रेटर की, उससे हमें इसको ग्रेट करना है इस तरीके से। तो इसको हम सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो एक ही आलू हमने इसमें यहाँ पर डाला है, बहुत ही टेस्टी और यमी नाश्ता बनता है। इसमें हम डाल देते हैं एक बारीक कटी हुई प्याज, इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और एक हरी मिर्च, ये मैंने डाली धनिया पत्ती। अब इसमें डाल देंगे हम ये 1/4 कप दही और इसमें अब डाल देते हैं मसाले। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक, ये मैंने डाल दिया इसमें काला नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, ये मैं डाल देती हूँ इसमें चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। बस सारी चीज़ों को इस तरीके से हाथ से हम अच्छे से मिला देंगे। तो पहले हम इसको ऐसे ही मिलाएंगे, अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच। तो पहले इसको हम ऐसे ही मिला लेते हैं। तो बस जैसे हमें डो बनाना है ना वैसे इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डाल दिया है, जरूरत के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल दें। बस इसको अच्छे से मिला देते हैं इस तरीके से। तो हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है कटलेट बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम जैसे ये टिक्की बनाते हैं ना उसी शेप में ये कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जब आपके घर में कभी मेहमान आए और आपको समझ ना आए कि क्या नाश्ता बनाएं, तो बहुत ही जल्दी ये नाश्ता आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने तेल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो मीडियम फ्लेम के पर हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है बड़े गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब एक तरफ से ये थोड़े सिक जाएं तो हम इनको इस तरीके से पलट देंगे। तो बहुत ही क्विक रेसिपी है, बिल्कुल अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो इस तरीके से हम इनको पलट देते हैं और बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे सारे कटलेट्स को। देखिए ऐसा कलर हमें इसमें चाहिए होता है। तो हमारे ये कटलेट हैं एक बैच के, इसमें अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं और इसको हम टोमेटो केचप और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो है ना कितना बढ़िया इसमें कलर आया है। इनको मैंने सर्व करने के लिए निकाल लिया है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।